स्वर्ग में विराजमान करने वाले हमारे पवित्र खुदा, हम तेरे उपस्थिति में आए हैं खुदावन। तू ही हमारा शरण स्थान, दृढ़ गढ़ है खुदा, हम तेरा ही शरणागत है। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। जितने तेरे बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु प्रभु जो अकारण विश्वास खाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरे ही बाट जोहता रहता हूँ। हालेलुया। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हम तेरे ही स्तुति करने और तेरी महिमा को प्रभु गाने के लिए आए हैं, तेरी महिमा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। खुदावन, हम आत्मा में एक होकर हम तेरा ही स्तुति करते हैं। राजा, हमारा स्तुति तेरे उपस्थिति में ग्रहण योग्य है प्रभु, तेरी उपस्थिति में एक धूप के ग्रहण योग्य, सुगंधित धूप के समान होने पाए। राजा, हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारी विनती सुन ले, हमारी आराधना को ग्रहण कर ले खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम मिलकर यहोवा परमेश्वर को हम महिमा करें, स्तुति करें। हालेलुया। Sing it to the Lord a new song. Sing it to the Lord all the earth. Hallelujah, 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 hallelujah.
In thy heart I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves in thy heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will praise, I will praise, I will praise like David praise. I will praise, I will praise, I will praise like David praise. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David dance. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance. परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें और हमको आशीष दे खुदा, हम पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जिसने तेरे गति पृथ्वी पर है खुदाबन, और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना गया है। हालेलुया हालेलुया, हे देश देश के लोगों, आओ यहोवा परमेश्वर की धन्यवाद करें। हम सब मिलकर सारे देश देश के सब लोग, प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करने के लिए आते हैं खुदावन। राज्य राज्य के लोग अनंत करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हालेलुया हालेलुया, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है परमेश्वर, हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर चाहते हैं पृथ्वी के हर एक देश के लोग, हर राज्य के लोग यहोवा को धन्यवाद करने के लिए, जय जयकार करने के लिए। आइए हम भी परमेश्वर यहोवा का जय जयकार करें और धन्यवाद करें। हर सुबह हर शाम यहोवा परमेश्वर की हम आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें। हालेलुया हालेलुया।
खुदावन मरियम ने प्रभु अपने जो जगह ली है तेरे पांवों तले बैठने का खुदावन, इसी तरह हम भी तेरे पांवों तले हम बैठ पाए। खुदा तूने कहा दुनिया चिंतित करेगी लेकिन हम तेरे पांवों तले बैठने वाले हमारे लिए प्रभु जी वही हमारा काफी है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकलती हर एक शब्दों से वो जीवित रहेगा करके तूने कहा है खुदावन। हालेलुया हालेलुया, हमारी आत्मा का रोटी, हमारी खुदावन जीवन की रोटी तू ही है खुदावन। प्रभु इससे ही हम तृप्त होते हैं, इससे ही हम प्रभु जी सकते हैं खुदावन। हालेलुया हालेलुया, ऐसे ही हमें आशीषित कर खुदा, ऐसे ही हमें आशीषित कर खुदावन। हालेलुया, हमारा परिपूर्णता से एक विश्वास तेरे ऊपर ही हम रख सके खुदावन। दुनिया जैसे चाहती है वैसा नहीं खुदा प्रभु, लेकिन आपका चरण ही, आपका प्रभु भाव ही खुदावन हमारे लिए शरणागत हो जाए। आपका प्रभु भाव तले बैठ कर ही हम सारे प्रभु उस दृप्त को हम प्राप्त करने पाए, उस दृप्त को हम प्रभु जी होने पाए खुदावन। हालेलुया, हम सबको मदद कर, जितनों ने इस प्रार्थना में, जितनों ने प्रभु इस आराधना में शामिल है खुदावन, सबके दिल में ऐसे एक शांति से भर दे जो दुनिया हमें नहीं दे सकती है, वरन सिर्फ आपसे ही जो हमें मिलती है वैसे शांति से खुदावन हमें भर दे। शालोम, ये बात हमारे हर एक के जीवन में होने पाए खुदा। हालेलुया हालेलुया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए सारे मिलकर यहोवा परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दें। यहोवा परमेश्वर को हम स्तुति महिमा करें। हम कहें खुदावन हम तुमसे प्यार करते हैं खुदावन, जितने प्यार हम परमेश्वर से कहते हैं करते हैं उसे हम कहें परमेश्वर से खुदा तू ही मेरा दिल का प्रभु नजदीक में है, तू ही मेरा दिल का राजा है, तू ही मेरे दिल में विराजमान है करके हम परमेश्वर से अपने प्यार को बताए। हालेलुया, क्योंकि वही मेरा राजा है, वही मेरा दुल्हा है। हालेलुया हालेलुया, आए प्यारो हम उससे कहें कितना हम उनसे प्यार करते हैं करके, स्तुति के द्वारा, स्तुति बलि के द्वारा, धन्यवाद की बलि के द्वारा हम प्रभु से बता सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी महिमा गाते
हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावन इस समय के लिए खुदा। हालेलुया, हम पूरे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, पूरी दुनिया के लिए हम प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हैं खुदा। प्रभु इस कोरोना की वजह से खुदावन विश्व भर में प्रभु कई ऐसे कार्य उलट पलट हो गया, कई परिवार के अंदर प्रभु कई ऐसे बातें हो रही है खुदावन। हम तेरी उपस्थिति में आते हैं राजा, तेरा नाम कहलाए हुए तेरे लोग हम खुदा तेरे पास आते हैं। आए सारे मिलकर एक मन एक चित होकर हम प्रार्थना करें देशों के उन्नति के लिए, हम प्रार्थना करें देशों में फाइनेंस जो इकोनॉमी जो बढ़ने के लिए, इकोनॉमी सही रूप से होने के लिए खुदा से हम मांगे, खुदा जरूर हम पर तरस खाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आए सारे हम प्रार्थना करें विश्वास से प्रार्थना करें। परमेश्वर कहते हैं जो विश्वास की प्रार्थना, धर्मजन की प्रार्थना परमेश्वर जरूर वो सुनेंगे करके आए हम प्रार्थना करें खुदावन। दोबारा खुदावन हमारे देश में प्रभु जी एक उन्नति को दे खुदावन, हमारे देश में एक सफलता को भेज दे खुदावन। सिर्फ हमारे देश में नहीं वरन विश्व भर में खुदावन प्रभु एक सफलता को भेजे खुदा, एक उन्नति को भेज दे खुदावन। हालेलुया 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 राजा, जब भी हम तेरे उपस्थिति में आते हैं खुदावन आप हमारी खुदावन प्रभु, जब भी हम तुझे ढूंढते हैं, जब भी हम तेरे खोज में आते हैं खुदावन आप हमारी विनती को सुनने वाले पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, आपकी आंखें प्रभु जी, आपकी गाने हमारी प्रार्थना की ओर लगी रहती है खुदा। हालेलुया हालेलुया, ये सारे मिले एक मन होंगे और प्रार्थना करेंगे खुदावन किसी तरह खुदा राजा। हम नहीं जानते हैं खुदावन, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर राजा। हमारे देशों में, हमारे हर विश्व की हर एक राज्य के अंदर खुदावन प्रभु तेरी उन्नति को भेज दे खुदावन। अभी प्रभु जी लोगों के अंदर प्रभु बहुत सारे खुदावन ऐसे घृणे की बातें आ चुकी हैं खुदा, आप उसे माफ कर दे, उसे साफ कर दे खुदा। प्रभु हमारे लोगों के पास तरस का ले खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया, एक सफलता को भेज दे खुदावन, तेरे लोगों के चलते एक सफलता को भेज दे। अपने अब्राहम से कहा, अगर अब्राहम जब पूछा प्रभु 10 व्यक्ति धर्मी होंगे तो जरूर उस देश को मैं नाश नहीं करूंगा करके अपने कहा खुदावन, इसी तरह प्रार्थना करते हैं खुदावन राजा। राजा आप प्रभु किसी देश को नाश ना कर खुदावन। हालेलुया, तेरी उन्नति को भेज दे खुदावन। हालेलुया हालेलुया, पृथ्वी उस अपनी उपज को दे सके राजा, पृथ्वी अपनी उपज को दे सके खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हर मौसम के अनुसार बारिश होने पाए खुदावन हर देशों के अंदर खुदा खुदा। हालेलुया, ऐसे आप कार्य करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। तुझसे ही हम प्यार करते हैं खुदावन, तू ही हमारा है। सारे मिलकर हमारे लोगों को चंगा कर, धन्यवाद प्रभु। सारे मिलकर गाए प्रेमी करूं।
주시세 바르데 부지고 अंतिम समय में ऐसे एक अभिषेक से हमें भर दे आसमानी प्रभु, अभिषेक से हमें प्रभु भर दे राजा। हालेलुया 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 हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। तू ही राजमान कर खुदावन, तू ही हमारा प्रभु सब कुछ है, तू ही हमारा दिल का प्रभु राजा तू है खुदावन। हालेलुया राजा, और एक बार हम सबको प्रभु तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं राजा। प्रभु यहाँ तक आपने हमें संभाला प्रभु, अभी तक हमारा सब कुछ तूने प्रभु जी किया है प्रभु, हमें सुरक्षित रखा है खुदावन। प्रभु तेरा नाम की धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख की धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आगे भी हमें ले चल, विशेष के लिए राजा इस लॉकडाउन के प्रभु जी, हमें पता नहीं ये कब तक है करके, फिर भी राजा ये लॉकडाउन हो या नहीं हो खुदावन, हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति में तेरी चरणों तले रहना ही हम चाहते हैं खुदावन। हमें ऐसे ही अगुवाई कर, हमें राग दिखा दे पवित्र आत्मा प्रभु, हमें चला दे पवित्र आत्मा प्रभु, हमें भर दे पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति से हमें भर दे खुदा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। इस आराधना में जितने लोग शामिल हैं खुदावन, सबको राजा आप ऐसे ही भरने के लिए, आशित करने के लिए, अपने स्वर्ग से, अपने सिंहासन से प्रभु आशित करने के लिए प्रभु, शांति देने के लिए, शक्ति देने के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। विशेष के लिए दूर से या प्रभु नजदीक से क्यों ना हो खुदावन, कहां से भी क्यों ना हो प्रभु, हर एक व्यक्तियों को आशित कर, उनके घरों को, दिलों को प्रभु जी आशित कर खुदा, ताकि प्रभु वे तुझे ही चाहे, तेरे भी तेरे चरण में ही प्रभु हमेशा आ सके खुदावन। प्रभु तू ही हमारा दिल का धड़कन बन जाए खुदावन, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। और एक बार सारे जो प्रभु कोरोना से जो इन्फेक्टेड है उन सबको याद करते हैं खुदावन, आपके पर चरणों तले हम रखते हैं, पावों तले हम रखते हैं खुदावन। आप उन्हें स्मरण कर, हर एक डॉक्टर प्रभु जी, जो मेडिकल डिपार्टमेंट प्रभु जी, हर एक जो सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट में है रहने वाले हर एक व्यक्तियों को तेरे पावों तले रखते हैं, उन्हें आप प्रभु सुरक्षित रख, उन्हें जो भी इन्फेक्टेड है उन्हें चंगा कर खुदावन, तो चंगा करने वाला प्रभु आप हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा, सारा आदर जलाल महिमा तुझे ही देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें उद्धार किया, जिसने अपना नाम लेकर हमें बुखारा, ओ प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीष करें, लगे रहिए, खुदावन हमारे दिल को खोले, हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और उस वचन के आधार पे हम चलने वाले बन जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस रविवार हम परमेश्वर के वचन से जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे लिए इस वचन को आशीषित करें और हमसे बातें करें। हम उस वचन की आधार पे अपने जीवन को हम अर्पण करने पाएं, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जो आसमान और पृथ्वी का अधिकारी तू है। खुदावन, तूने कहा सब कुछ जो आसमान और पृथ्वी में है सब कुछ मेरा है करके। खुदावन, हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं इस दिन के लिए। आज हमसे बातें करने के लिए प्रभु जी हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। खुदावन, आप हमसे बातें कर, हमारे हृदय में प्रभु तेरे वचन, प्रभु जिस तरीका से प्रभु पहला युग में जब पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया, प्रभु लोग अपने हृदय में छेद पाकर उन्होंने पूछने लगे हमें क्या करना चाहिए, मन फिराना के मतलब क्या है करके जब उन्होंने पूछ रहे थे, इसी तरह आज हमारे मन में होने पाए, एक बदलावट होने पाए, एक मन फिराने की बात होने पाए, हमें आशीष कर, पवित्र आत्मा की हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम जो कुछ करें जैसे वचन में लिखा है हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए किया करते हैं, आमीन हालेलुया। वो कुछ भी क्यों ना हो, जैसे पौलुस कहता है अगर तुम गाते हो या पीते हो जो भी है काम करते हो सब कुछ हम परमेश्वर की महिमा के लिए ही करना चाहिए। प्रभु आपको आशीष करें। आइए दूसरा इतिहास उसकी 20वीं अध्याय को हम पलटें। दूसरा इतिहास 20वीं अध्याय, यहाँ पर जैसे आप अच्छी तरह जानते होंगे यहोशबात राजा के बारे में हम पढ़ते हैं और किस तरीका से यहोशबात राजा ने एक विजय को प्राप्त किया, कैसा युद्ध नहीं किया लेकिन विजय को प्राप्त किया। हम जानते हैं उन्होंने कैसा इस तरीका से विजय को प्राप्त किया। आप जैसे जानते हैं स्तुति के द्वारा, है ना, प्रेस के द्वारा यहोशबात राजा ने बिना लड़े उन्होंने विजयता को प्राप्त किया करके। आइए कुछ वचन को देखते हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया करके। जैसे 20वीं अध्याय उसका तीसरा पद में लिखा है, जब यहोशबात राजा को मालूम हुआ कि तीन देश के राजा ने उनके विरोध में युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, अम्मोनियों मोआबियों और सेयर पहाड़ के देश के राजा आ रहे हैं करके, उन्होंने तुरंत क्या किया। वचन 3 में लिखा है, 20:3 में दूसरा दिगास, तब यहोशबात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। आमीन। वचन 4 को भी पढ़ेंगे। अध यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। आमीन। यहाँ पर हम पढ़ते हैं जैसे उन्होंने डर गया था, तीन देश के राजा ने उनके विरोध में आ रहे हैं करके, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहोवा के खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास को प्रचार करवाया। तुरंत क्या हुआ, जिस तरीके से उन्होंने पूरे यहूदा में उपवास को कहा तो इमिडिएटली क्या हुआ, तुरंत ही लोग भी परमेश्वर को खोज करने में, परमेश्वर के भेंट करने के लिए इकट्ठे हुए थे सारे देश भर में। ऐसा कैसे हो गया, अचानक इन्होंने अगर कह दिया है तो सारे लोग तुरंत ही मान लिया है क्या, ऐसा करके हमें सोचना चाहिए। तो कैसे ये बातें हुई करके हमें दरअसल हमें सोचना चाहिए। इसके बाद अब सब जैसे हम जानते हैं उन्होंने यहोशबात राजा ने परमेश्वर के मंदिर में गया, एक प्रार्थना किया। कैसा प्रार्थना किया, वचन 5 से लिखा है, तब यहोशबात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और इसराइलियों के मंडली में खड़ा होकर, तब तक सारे लोग पूरे यहूदियों के लोग आ चुके थे, उन सारे लोगों के सामने
पर राजा ने खड़ा हुआ और ये कहने लगा यहोवा के भवन के अंदर, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरे सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपना मित्र इब्राहिम का वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? तो ही वॉज कंटिन्यूसली आस्किंग सम क्वेश्चंस, इट्स नॉट अ क्वेश्चंस, इसे क्या बोलेंगे हम, कुछ मतलब ही इज अफर्मिंग द गॉड्स हैंड अपॉन द कंट्री. उन्होंने परमेश्वर की हाथ जो अपने देश में है करके उस बातों को ये हाँ कह रहा था. लेकिन इस सवाल जैसे लग रहा है, लेकिन ये कहना चाहता है कि प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान है, आपका हाथ हमारे देश में नहीं है क्या? आपने ही यहाँ के जो रहने वालों को निकाल कर ये देश को अपना दोस्त इब्राहिम को नहीं दिया क्या? इब्राहिम का वंश को नहीं दिया क्या? करके इन्होंने ऐसे कहते हुए आया है. और वचन 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उसका न्याय ना करेगा, न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है. हालेलुया, हमारी आंखें तेरी और लगी है करके वो कहते हैं. और 13 वचन में कहते हैं, तब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे. यहाँ पर सिर्फ राजा नहीं वरन सारे यहूदा के स्त्री क्या है, ये मर्द क्या है, या बच्चे क्या है, सारे लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर खड़े थे. यहोवा के भवन के सामने वे सब खड़े थे जब तक यहोवा यहोशबात राजा ने यहोवा से प्रार्थना कर रहा था. तो इस तरीके से उन्होंने प्रार्थना किया, तो क्या हुआ आगे, जैसे आप जानते हैं, आगे हम पढ़ते हैं. तो यहोवा के एक भविष्य वक्ता ने वहां पर आकर राजा को दृढ़ करता है, ऐसा वचन कहता है 17वीं वचन में, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा. हालेलुया. तो इस तरीका से यहोवा के नबी ने आकर सारे यहूदा और यरूशलेम वासियों से कहते हैं. तो तुरंत क्या हुआ, तो इन बातों को यहोशबात और सारे लोग ने उन्हें विश्वास किया. तो अगले दिन क्या किया, सवेरे उठकर उन्होंने अपने लोगों से यहोशबात राजा ने बातें की और कर उन्होंने क्या किया, 21वीं पद में लिखा है, तब उसने यहोशबात राजा ने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को टकराया जो कि पवित्रता से स्वभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें. क्या स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. इन्होंने अपने एक कोयर को जो सेना के सामने आगे खड़ा किया और उन्होंने ये कहने के लिए कहा कि ये गीत गाने के लिए कहा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. यहाँ पर उन्होंने ऐसा कोई प्रार्थना नहीं किया या ऐसा कुछ गीत नहीं किया जो रो रो के हमारे विरोध या हमें बचाव करके, लेकिन इन्होंने ये गीत गाने के लिए भेजा कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. जिस तरीके से इन्होंने आगे आगे खड़े होकर ये कोयर गीत गाई रही थी, वहां पर अपने बहरियों के बीचों में परमेश्वर ने क्या किया, अम्मोनी मोआबी और सेईर पहाड़ी के देश लोगों, उन तीन राजा ने आपस में लड़ाई किया, आपस में एक दूसरे को मार डाला और वहां पर कोई नहीं बचा. तब इन्होंने यहोशबात राजा को मालूम हुआ, इन्होंने वहां पर जाकर यहोवा परमेश्वर की धन्यवाद करता है. वो कौन सी जगह पर, 26 वचन इस तरह लिखा है, चौथे दिन वे भराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया, इस कारण उस स्थान का नाम भराका की तराई पड़ा जो आज तक है. ये भराका की तराई भी बोलते हैं, यहोशबात की तराई भी बोलते हैं. तो यहोशबात भराका मतलब की है ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है, वो वैसा ही वो तराई का नाम
हो गया था तब से लेकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं तुरंत तुरंत, मतलब इतनी जल्दी में हर बातें हो रही थी। तो पहला दिन उनको मालूम हुआ, तो दूसरा दिन उन्होंने उठकर अपना कोयर को आगे खड़ा किया, तो उसी दिन उनको क्या हो गया, उनको विजेता मिल गया। ना लड़े, बस उन्होंने खड़े होकर यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है, जैसे गीत ही गा रहे थे तो उनको विजेता मिल गया। आप और हम क्या सोचते हैं, हम भी अगर परमेश्वर के गीत गाएं या स्तुति करें, जरूर हमें भी विजेता मिलेगा। हाँ प्यारों, जरूर विजेता तो मिलेगा अगर आप और हम स्तुति करेंगे तो। लेकिन उससे पहले यहोशाबाद के जीवन में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने किस तरीका से यहोवा को उस गीत को गाया, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है करके, उन्होंने किस मन से, मतलब कैसे एक मेंटालिटी से उन्होंने ये गीत गाया करके हम आज देखना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम हमेशा कुछ चीज़ों को गलत समझ लेते हैं, बस ये 20वें अध्याय को पढ़ते हैं और हम अपना मनभावनी जीवन जीते हैं। उसके बाद जैसे कुछ परेशानी आ पड़ती है, तुरंत परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, फिर गीत गाते हैं, गीत गाने से हमें विजय मिलेगा करके। गीत गाने में इससे विजय नहीं, लेकिन हमारा मन, हमारा वो जो फीलिंग, स्वभाव हमारा कैसा है, किस तरीके से हम अगुवा के उपस्थिति में आते हैं और कैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, वही बड़ी बात होती है। हालेलुया। अवसर हमारे लिए कई बातों के लिए, कई प्रार्थनाओं के लिए, विनती के लिए हमारी उत्तर नहीं मिलती है। तुरंत हम क्या कहते हैं, निराश हो जाते हैं, तुरंत हम दुखित हो जाते हैं, तुरंत हम परमेश्वर के क्या है, मैं इतना दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा करके, ऐसे कुछ कार्य हमारे जीवन में, हमारे मन में आ जाती है। लेकिन प्यारों, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीक़ा से हमें परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए करके, हमें दरअसल इन बातों को आज हम देखना चाहते हैं, ताकि आपके और मेरे जीवन में ऐसे विजेता को हम प्राप्त करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। जैसे यहाँ पर यहोशाबात ने, उन्होंने जैसे विरोधी आ रहे करके मालूम हुआ तो उन्होंने उपवास को करवाया और सारे लोग इमिडिएटली तुरंत ही इकट्ठे हो गए। इन बातों को दरअसल आप ध्यान देना चाहिए, कैसे लोग भी इतनी जल्दी में इकट्ठे हो गया करके हमें दरअसल सोचना चाहिए। तो तुरंत परमेश्वर भी बात कर रहे हैं, परमेश्वर का नबी भी तुरंत बात किया। जरूएल करके वो वहाँ पर एक नबी आते हैं, वो भी आकर तुरंत उनसे बातें करते हैं। यरूएल, यरूएल 16वीं वचन में लिखा है, यरूएल नामक एक परमेश्वर का दास आकर, नबी आकर उनसे बताते हैं आपको क्या करना चाहिए करके। तो परमेश्वर यहाँ पर बारंबार कहते हैं, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध मेरा है करके परमेश्वर कहते हैं। ये तराई, जो यहोशाबाद का तराई बोला जाता है या भराका का तराई बोला जाता है, यहाँ पर ये इंसान या राजा लड़ा नहीं, युद्ध नहीं किया, वरन परमेश्वर युद्ध किया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत का बातें हैं, ये कैसे ये सारी बातें हुआ है यहोशाबाद के जीवन में करके आज हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आमीन। क्या आप तैयार हैं? आप ध्यान से, आप विश्वास के मन से आप वचन को सुनिए, अपने बाइबल को पलटे रखिए, अपने कलम और डायरी को लेके रखिएगा। आज हम देखेंगे कैसे ये बातें इतनी जल्दी में और परमेश्वर की खुद आकर क्यों लड़ाई किया यहोशाबाद के बदले में, इन बातों को हम देखना चाहते हैं। आमीन। आइए 17वें अध्याय का और पलटिए, ये सारी बातें हुआ है 20वें अध्याय में। अगर हम 17वें अध्याय का और पलटें, कुछ सात बातों को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। यहोशाबाद के जीवन में क्या क्या चीज़ें थी, उन बातों ने परमेश्वर को कैसा लगा, इसीलिए 20वें अध्याय में परमेश्वर ने उनसे कैसे बातचीत की करके हम देखना चाहते हैं। 17वें अध्याय में हम देखते हैं उसका 3रा वचन को हम पढ़ेंगे, वचन 3 को, यहोवा यहोशाबाद के संग रहा। पहली बात, यहोवा यहोशाबाद के संग रहा। आमीन, हालेलुया। आप और हम जानते हैं, अगर पुराना नियम में देखते हैं, परमेश्वर जोसेफ यहोशू के साथ रहते थे, यहोशू के साथ था परमेश्वर, जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ परमेश्वर उनके साथ था करके, और हनोक के साथ परमेश्वर चलते चलते थे, आदम के साथ प्रभु बातें कर रहे थे, इब्राहिम के साथ परमेश्वर बातें कर रहे थे, इसहाक, याकूब, कई लोगों को हम देखते हुए
आ रहे हैं। यहां पर यहोशबात राजा के साथ यहोवा रहा, आमीन, यहोवा यहोशबात के संग रहा करके वचन कहती है। इसका कारण क्या है? यहोशबात के संग यहोवा परमेश्वर रहते थे, उसका कारण क्या है उसी वचन को आगे हम पढ़ेंगे। कुछ तीन बात है जिस बात ने यहोवा परमेश्वर यहोशबात के संग रहने का मुख्य कारण बना। पहली बात जो है उसी वचन तीन के आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया। पहली बात क्या किया यहोशबात राजा ने? दाऊद जिस तरीका से यहोवा के लिए बहुत ही पसंदित रहा उसी तरीका से इन्होंने फॉलो किया। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात उसी वचन में लिखे हैं, अपने पिता के परमेश्वर को खोज में लगे रहा। यहोशबात दूसरा बात क्या किया है? अपने पिता के, वचन चार में, अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। आमीन, क्या किया करता था? अपने पिता परमेश्वर के खोज में लगा रहता था। ही इज कंटिन्यूअली विथ गॉड। वो हमेशा हरदम, जैसे दाऊद कहता है, मैं 7 बार प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा प्राण तुझको ही ढूंढते रहती है करके, इसी तरह यहाँ पर यहोशबात राजा ने क्या करता था? हमेशा प्रभु को ही खोजी में रहता था। ही इज ऑलवेज सीकिंग आफ्टर गॉड। हमेशा यहोवा परमेश्वर के पीछे ही वो रहता था, यही वचन में लिखा है। और तीसरी बात क्या है? उन्होंने क्या किया? यहोवा की आज्ञाओं पर चलता था। वाव, हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, हम कहते हैं प्रभु आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू करके, लेकिन हम क्या यहोवा की वचन को पालन करते हैं क्या? और अपने जो बुराई, जो भी चाल है उसे छोड़कर जो परमेश्वर की प्रसन्न की बातें पर चलते हैं क्या? ये सारी बातों को हमें करना बहुत ही आवश्यकता है। पहली बात जैसे हमने देखा, उन्होंने अपना मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया है, और उन्होंने क्या किया? बाल देवताओं की खोज में ना लगा। हालेलुया, क्योंकि उसका पिता आशा का उनकी जीवन को आप पढ़ेंगे उसकी पहले अध्याय में, उन्होंने कैसा रहा करके, उन्होंने इतनी सारे देवताओं को बनाकर रखा था, उनके स्थान को बनाकर रखा था, लेकिन इन्होंने क्या किया? यहोशबात राजा आकर उन देवताओं के पीछे ना रहा, वरन उन्होंने क्या किया? अपने पिता के परमेश्वर मतलब दाऊद की परमेश्वर के खोज में लगा रहा। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने तीसरी बात क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने पालन किया, आज्ञाओं पर चलता रहा, इसीलिए यहोवा परमेश्वर यहोशबात के संग रहा। आमीन, हालेलुया। तो तीन बातों को हम देखते थे। पहला पॉइंट है यहोवा यहोशबात के संग रहते थे क्योंकि उसका कारण, उसका सब पॉइंट जो है उसमें तीन बातों को हमने देखा। पहली बात, अपने प्राचीन मूल पुरुष दाऊद का प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं को नहीं खोजा। और दूसरा बात, अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा। और तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं पर चलता रहा। आमीन, हालेलुया। तो यही पहला पॉइंट है। तो यहोवा यहोशबात के संग रहा। आमीन। 20वीं अध्याय में आप और मुझे वहां पर बराका में खड़े होकर यहोवा का धन्यवाद दो, उसकी करुणा सदा के लिए है करके हमें गीत गाने से पहले आपको और मुझको क्या करना चाहिए? यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे संग होना बहुत ही अवश्य है। इसके लिए आपको और मुझको क्या करना चाहिए? इन तीन बातों को हमें फॉलो करना चाहिए। यहोवा की खोजी करना चाहिए, बाल देवताओं को छोड़ना चाहिए, और तीसरा, यहोवा की आज्ञाओं पर हमें चलना चाहिए। आमीन, यही तीन बात है। और दूसरा मुख्य पॉइंट, पहला मुख्य पॉइंट, यहोवा यहोशबात के साथ रहा, संग रहा। और दूसरी बात वचन 6 में हम पढ़ेंगे, यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया उनका मन? यहोवा के, दोबारा पढ़ेंगे, यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन, यहोशबात का मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशोरा नामक मूर्तों दूर कर दी।
अगर इनके यहोवा के पीछे पीछे चल चल के इनका मन क्या हो गया, मगन हो गया। हालेलुया। कई ऐसे कुछ ऐसे विश्वासी लोगों से हम मिलते हैं जिन्होंने 10 साल से 15 20 साल से उन्होंने प्रभु के विश्वासी बनकर चर्च जाने वाले बाइबल पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन वो कई बार उनसे बात करने से उन बहुत दुखित होते हैं। क्यों दुखित होते हैं? वो कहते हैं क्या हुआ मेरे लिए, मैंने 20 साल से ऐसे ही रहकर आया, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। प्यारों, हमारी जो फीलिंग्स जो भी है, यहोवा के पीछे चलने वाले क्या होना चाहिए, चलते चलते हमारा मन मगन होना बहुत ही आवश्यकता है। क्या है? हमारा मन मगन होना चाहिए, दुख से नहीं, वरन मगन होकर आपको और मुझको यहोवा को पीछा करना चाहिए। जिस स्थान में जब एक बार ऐसा था, चेलों ने यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, तब उन्होंने एक बार पत्रस ने आकर यीशु मसीह से पूछा, हम आपको पीछे कर रहे थे, वी आर फॉलोइंग यू, हमें क्या मिलेगा? ही वॉज ओपनली आस्किंग, वो खुले रूप से पूछ रहा है हमें क्या मिलेगा करके। लेकिन वही पत्रस बाद में उन्होंने कहा, मुझे जब उनकी मृत्यु के समय उन्होंने कहा, मैं अपने मास्टर मेरी स्वामी के योग्य नहीं, इसीलिए मुझे कैसा आपने मारना है, क्रूस पे उल्टा मारिए करके। हालेलुया, कितना उनका अनुभव बदल गया है। हालेलुया। प्यारो, आपको और मुझे ऐसे ही अनुभव होना चाहिए, हम यहोवा परमेश्वर को पीछा करते हैं, इसका मतलब आपको और मुझको मगन होकर यहोवा परमेश्वर को हमें पीछा करना चाहिए। वी नीड टू फॉलो क्राइस्ट विथ ऑल द हैप्पीनेस एंड द जॉय इन अवर हार्ट एंड इन अवर लाइफ। आमीन। हालेलुया। हमें दुखी से कभी नहीं होना चाहिए, क्या? दुख से नहीं, मगन होकर। आमीन। मगन होकर अगर हम करेंगे, जरूर आप और हम उस बराका की तराई में, यहोशाबाद की तराई में खड़े हो जाएंगे और यहोवा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए जरूर लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। अगर कितने भी बड़े राजा क्यों ना आए, कितने ज्यादा राजा क्यों ना आए, यहोवा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए लड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर जितने भी बड़े कोरोना से भी अधिक क्यों ना आए, यहोवा आपके लिए और मेरे लिए लड़ेंगे। आमीन। सो दूसरा बात, हम यहोवा के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कैसे चलना चाहिए, मगन होकर, मगन होकर चलना चाहिए। पहली बात क्या देखे थे, यहोवा यगशबाद के संग रहा, परमेश्वर हमेशा हमारे संग है। वो वायदा, कितने वायदा मैं किया है, दुनिया की चोर तक मैं तेरे साथ हूं। इज़राइल का परमेश्वर ऊंधता नहीं ना सोता है। हालेलुया। कितने वायदा मैंने प्रभु ने आपके और मेरे लिए दिए हैं, तो हमारे लिए एक आशा, एक विश्वास होना चाहिए, यहोवा परमेश्वर मेरे संग है। और दूसरा, हमें यहोवा परमेश्वर के मार्ग पर हमें चलते चलते हमें मगन होना बहुत ही आवश्यकता है। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात उसी वचन 6 अध्याय का लिखा है आगे, फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और असोरा नामक मूर्ति दूर कर दी। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप और हम यहोवा के पीछे चलने वाले हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो बीते हुए जीवन में जो जो चीजें हमारे पास थी, उन सारी चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। क्या चाहिए? छोड़ना चाहिए। आमीन। अपने पड़ोसी से कहिए, हमें क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों को, बीते हुए चीजों को छोड़ना चाहिए। आमीन। पौलुस बहुत ही अच्छा कहता है, हालेलुया, जो बीत गई वो सारी पुरानी चीजें बीत गई, अब सब चीजें नई हो गया यदि कोई मसीह में है तो। यही बातों को यहां पर यगशबत राजा ने किया। अगर यह वो उनके साथ है तो इनको क्या करना चाहिए था, सारे मूर्तों को, सारे जो स्थान ऊंचे स्थान और असोरा नामक मूर्तों को उन्होंने क्या कर दिया, दूर कर दिया, यहूदा से दूर कर दिया, अपने घर से नहीं पूरे यहूदा से दूर कर दिया। हमें अपने बीते हुए उस जीवन को हमें दूर करना चाहिए, जो चीजें परमेश्वर की प्रसन्न नहीं है हमारे बीते हुए जीवन में, उन सारी चीजों को हमें लेते हुए परमेश्वर को फॉलो नहीं कर सकते हैं, सब चीज को छोड़ना चाहिए।
लेस लकेज मोर कंफर्ट, कमी लेके जो ना, बस अभी की जो सारे पुराने बातों को हमें छोड़कर हम नई होकर मसीह में एक नई जीवन की जीना हमारे लिए आवश्यकता है। तो आप कहते हैं मैं यहोवा को फॉलो करता हूँ, यहोवा की वचन को, यहोवा की आज्ञाओं को ऊपर में चलता हूँ, यहोवा की मार्ग पर चलता हूँ, तो क्या दूसरे लोग इसे समझ पाते हैं? या अभी भी वैसे ही जैसे आप पहले रहते थे, यीशु मसीह को जाने से पहले अपना जीवन था वैसे ही आप अभी भी रह रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं मसीह को जानता हूँ, जानती हूँ करके, तो इससे क्या फ़ायदा है कुछ, या इससे क्या कुछ समझ में आएंगे? आपके और मेरे जीवन में कोई भी बदलावटें नहीं है, वैसे कि वैसे ही है, जैसे हम पहले थे, गुस्से वाले या नफरत वाले या जो भी है, वैसे ही अभी भी है, तो क्या अंतर है? लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, उन चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। हालेलुया। रोमियो में इसलिए अच्छे से कहता है, अंधकार की कार्य को हमें छोड़कर रोशनी की हथियार को हमें पहनना चाहिए, यीशु मसीह को हमें पहनना चाहिए। रोशनी की हथियार को तो पहन लो करके हम रोमियो के अध्याय में पढ़ते हैं। तो अंधकार की कार्य को हमें छोड़ना बहुत ही आवश्यकता है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं चल पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर यिर्मयाह नबी से कहते थे, अगर वो परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, अगर यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा के पीछे चलो। एलिय्याह नबी से भी प्रभु ने कहा, एलिय्याह नबी लोगों से कहते थे, तुम लोग दो बातों के बीच में क्यों चलते रहते हो? नहीं चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हमें पुराने बातों को छोड़ना चाहिए, पुराने बीते हुए चीज़ों को, बीते हुए संभव को, बीते हुए पुराने कल की जो भी हमारा जीवन में था, उन सारी बातों को भूलकर, छोड़कर हमें आगे की ओर हमें चलना बहुत ही आवश्यकता है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और चौथी बात क्या है? चौथी बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब जानते हैं क्या, जो हम मिशनरी वर्क कहते हैं, ये सिर्फ नया नियम का कार्य है करके, ऐसा नहीं है। पुराना नियम का वहाँ से ही ये कार्य होती हुई आ रही है। मिशनरी वर्क, ये राजा यहोशाफात खुद मिशनरी का काम किया है। आमीन। क्या काम है मिशनरी का काम? जगह जगह में जाकर, राज्य राज्य में जाकर लोगों को यहोवा की वचन को सिखाना, यहोवा की वचन को बताना, यहोवा की व्यवस्था को सिखाना, यही काम कौन किया? एक नबी नहीं, एक याजक नहीं, वरन खुद यहोशाफात राजा ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे राजाओं के लिए परमेश्वर के लाखों लाख धन्यवाद हो। आमीन। हमारे देशों में ये ऐसे ही एक बेदारी होने पाए, राजा लोग, हमारे नेता लोग जगह जगह में जाकर यहोवा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने पाए और यहोवा परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचने पाए। ऐसे करें हमारे देश में होने पाए, हमारे विश्व में होने पाए। हालेलुया। इसके लिए आप प्रार्थना करिएगा। आइए हम पढ़ेंगे उसी अध्याय वचन सातवीं वचन से लेकर हम पढ़ेंगे, सात से लेकर सत्रह की, दूसरा देगा सत्रह का, सात आठ नौ को हम पढ़ेंगे। उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहेल, ओबदात, जखरिया, नथनेल और मिखायक नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। अपने किसको भेजा उन्होंने? कोई याजक यहाँ पर दिख रहे नहीं, कौन दिख रहे हैं? ये सारे अपने हाकिम, ये सारे कौन था? यहोशाफात राजा की हाकिम थे। इन लोगों को यहोशाफात राजा ने क्या किया? यहूदा के हर नगरों में भेजा कि ताकि वे जाकर लोगों को शिक्षा दे 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 करके। और आठवें वचन में उनके साथ शमाया, नथनिया, जबहदात, असहेल और कई लोगों को, लेवियों को, लेवी और उनके संग एलिशामा और यहोराम नामक याजक को, पहले अपने हाकिम, उसके बाद लेवी और उसके बाद याजक, इन तीन तरीके के लोगों को राजा ने भेजा
वचन 9 में लिखा है, अद उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। प्रेस गॉड, हालेलुया हालेलुया। मैं आशा करती हूँ ऐसे एक बात हमारे देश में होना चाहिए, आमीन हालेलुया। आप सोच रहे हैं ये तो पहले से हम लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, एक ऐसा होगा करके, लेकिन परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो ये सारे टेक्नोलॉजी के लिए। हम हर एक नगर नगर, हर एक गाँव गाँव, हर एक गली गली तक, हर एक घर घर तक हम पहुंच सकते हैं, आमीन। यहोवा की इसी वचन की शिक्षा को हमें देना चाहिए। ये राजा ने अपने हाकिम को, अपने लेवी को, अपने याजक को इसीलिए नहीं भेजा जाकर उनके लिए मदद कर, जाकर अपने लोगों के लिए देख कर आओ या उनकी क्या परेशानी है, नहीं। उन्होंने किस लिए भेजा? उन्होंने भेजा ताकि व्यवस्था की इस वचन को उन्हें सिखा सकें, आमीन। उन्होंने क्या लिया? वचन 9 में बहुत सुंदर तरीका से लिखा है, उन्होंने क्या किया, ये तीनों हाकिम, लेवी और याजक, तीनों ने, तीन तरीका के लोगों ने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे थे, आमीन हालेलुया। प्यारे लोगों, क्या आप ये सोच रहे हैं क्या यहोशाबाद के राज्य में सारे लोग सुरक्षित से, सारे लोग के सबके साथ सारी सुविधाएं थी करके आप सोच रहे हैं क्या? ऐसा नहीं तो हो सकता है, लेकिन लोगों के पास इन्होंने उनकी सुविधा के बारे में पूछने के लिए नहीं, वरन यहोवा की व्यवस्था को सिखाने के लिए उन्होंने भेजा है। क्योंकि पता है क्यों? अगर आप परमेश्वर और उसके राज्य को खोज करेंगे पहले, तो वो सारी चीजें हमारे लिए दिया जाएगा, हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, तो आपको और मुझको पहले परमेश्वर की और उसके राज्य को खोज करना चाहिए, परमेश्वर सत्य को खोज करना चाहिए, परमेश्वर के वचन की खोज में हमें और आपको होना चाहिए, तब हमारे जो भी आवश्यकता है वे सारे हमारे लिए दिया जाएगा, हालेलुया। आपको और मुझको पहले परमेश्वर की मार्ग पर चलना चाहिए, हरी हरी चराई में हमें चलना चाहिए, सुखदाई जल के झरने के पास हमें बैठना चाहिए, परमेश्वर की हर एक शब्द उनके मुंह से निकलती है उस शब्दों को हमें सुनना चाहिए, तब करुणा और भलाई हमारी पीछा करेगी, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो प्रथम स्थान परमेश्वर और उसके वचन को हमें होना चाहिए। ये बात को यहोशाबात राजा ने बहुत ही अच्छी तरह समझ रखा था, ही नोज इट वेरी वेल। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने हाकिम को आज्ञा दिया, अपने लेवियों को आज्ञा दिया, अपने याजक को आज्ञा दिया, जाओ आप लोग परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को ले जाओ। हेलो, कितने लोग आज हम जब चर्च जाते हैं, अभी तो लॉकडाउन है, जब चर्च जाते हैं कितने लोग हम अपने बाइबल को उठाते हुए आते हैं? जब एक आराधना खत्म होती है उसके बाद आप देखिएगा कम से कम 2-3 बाइबल तो आपको मिलेगा किसी किसी का। क्या करने के लिए? हो गया, अब पास्टर आप पढ़ना हमारा बाइबल में लेके, इसे लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक राजा ने, यहोशाबात राजा ने, यहां तक कि उन्होंने इतना एक अच्छा राजा था, ही हैड एवरीथिंग, उनके पास हर चीजें थे, फिर भी उन्होंने यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाने के लिए, इट्स नॉट जस्ट प्रीचिंग बट टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए भेजा है। आज कितना हमारे लिए लोग हैं सिखाने वाले, जहां आशीर्वाद को बोलते हैं, जहां भविष्यवाणी करते हैं, जहां कुछ आश्चर्य कर्म होती है वहां हम दौड़ते हैं, लोग भी ऐसे ही सभा चलाते हैं, लेकिन कब हम एक टीचिंग सभा में कब गए लास्ट टाइम? कब ऐसा हुआ परमेश्वर के वचन को सिखाने के कार्य कब हुआ है? अगर चर्च में बाइबल स्टडी होती है हम कितने लोग जाते हैं उसमें? प्यारों, आज हमें निर्णय लेना चाहिए, अगर एक राजा के लिए आवश्यकता था है तो आपको और मुझको कितना ज्यादा चाहिए,
उन्होंने हर नगरों में, यहूदा के हर नगर में भेजा उन लोगों को। वे घूमते थे, परमेश्वर की बाइबल उठाकर हर नगरों में घूम रहे थे। कौन? हाकिम, लेवी, याजक। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जिसने हमें इस बात के लिए चुन लिया था एक याजक के रूप में। पत्रस की पहला पत्री में हम पढ़ते हैं, आप और हम एक याजक, परमेश्वर के चुने हुए लोग। अब भी हमें सिखाने के लिए नहीं, हमें ऐसा होना चाहिए, औरों को सिखाने वाले हम होना चाहिए, औरों को परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले होना चाहिए। इसके पहले हमें पहले तैयार होना चाहिए। कितने लोगों के अंदर वो धैर्य है या तैयारी है हमारे अंदर औरों को सिखाने के लिए परमेश्वर के वचन को? इतना ही नहीं, यहां पर हाकिम, लेवी, याजक को हम देखते हैं, राजा भेजते हैं। लेकिन पलटिए 19 अध्याय, उसी का दूसरा इतिहास 19 अध्याय का वचन 4 को हम पढ़ेंगे। यहां पर क्या होता है करके, यहोशबात यरूशलेम में रहता था और उसने बेरशबा से लेकर एप्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके भीतरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। हालेलुया। हाकिम जा रहे हैं तो ठीक है, लेवी जा रहे हैं तो ठीक है, याजक जा रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन यहां पर एक राजा ने, यहोशबात यरूशलेम में रहता था, उस वक्त उन्होंने क्या किया, बेरशबा से लेकर एप्रोम तक पहाड़ी देश तक उन्होंने क्या किया, अपने प्रजा में फेर दौर करके उनको उनके भीतरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। हालेलुया। ये कैसा हुआ? ऐसे ही बात शामवेल के समय में हुआ था। शामवेल ने हर साल में 3-3, 4-4 महीने एक एक बतलहे में और कैसे सिटी में रहकर उन्होंने परमेश्वर के वचन को लोगों तक सिखाया, व्यवस्था को परमेश्वर के लोगों को सिखाया। इसी तरह शायद इन सारी बातों को यहोशबात राजा ने पढ़ा होगा। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी यरूशलेम में रहकर उन्होंने क्या किया, हर जगह दौड़ फेर कर उन्होंने परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के और क्या किया, फेर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे राजा होना था कितना बहुत ही एक आनंद की बात है, एक सौभाग्य की बात है। ऐसे एक नेता होना कितनी सौभाग्य की बात है आपके और मेरे लिए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हमारे भी प्रभु ऐसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर राजा खुद फेर देर कर उन्होंने क्या किया, लोगों को परमेश्वर की ओर फेरने के लिए इन्होंने खुद काम किया। इट इज नॉट ही सेंडिंग पीपल बट ही हिमसेल्फ वेंट। आमेन। यीशु मसीह अपने चेलों को भेजने से पहले उन्होंने खुद दौड़ा था, उन्होंने खुद यहां वहां फिरता रहा सारे लोगों को अपने परमेश्वर के वचन को सिखाते हुए। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य को बोलते हुए उन्होंने, यीशु मसीह ने करके दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा, आप जाओ दुनिया की छोर तक जाओ और परमेश्वर की राज्य को प्रचार करो। आमीन। वचन को, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उन बातों को उन्हें सिखा दो। आमीन। हालेलुया। तो आपको और मुझको औरों को बेचने से पहले हमें खुद जाना अवश्य है। यहां पर यहोशबात राजा यही किया। हालेलुया। 19वीं अध्याय का वचन 4 में उन्होंने खुद दौड़ा, खुद फेरा पूरी यरूशलेम में और लोगों को परमेश्वर की ओर फेरा, उन्हें व्यवस्था को सिखाया, लोगों को व्यवस्था को सिखाया। आमीन। हालेलुया। तो पहली बात हमने क्या देखा, यहोवा यहोशबात के संग रहा, उसके लिए कारण हम 3 देखे थे। क्यों यहोवा यहोशबात के संग रहा करके, उसने क्या किया, दाऊद की मतलब अपना मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं को खोज में ना लगा। दूसरी बात, अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा। तीसरी बात, उन्होंने क्या किया, उसी की आज्ञाओं पर
चलता रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने यगशम बात के संग्रह करके हमने देखे थे। दूसरी बात क्या किया, उन्होंने यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया, उसका मन मगन हो गया। जैसे दाऊद कहता है भजन में हम पढ़ते हैं, जैसे मुझे कहा गया या चलो यहोवा के भवन में चलें तो मैं बहुत खुश हो गया करके, हालेलुया। इसी तरह यहां पर यहोवा के मार्ग पर चल चल के उन्होंने बहुत ही मगन हो गया, उसका मन मगन हो गया, हालेलुया। अगर आपका और मेरा मन मगन होता है तो हम सही रास्ते पे हैं, यहोवा के मार्ग पर चलकर दुखित नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने क्या किया, सारे ऊंचे स्थान को और मूर्तों को, असोरा की मूर्तों को दूर कर दिया। हमारे जीवन की जो भी ऐसी बातें हैं उन सारी बातों को हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और चौथी बात उन्होंने क्या किया, यहोवा की वचन को, व्यवस्था को, पुस्तक को लेते हुए हर नगर में घूम घूम कर लोगों को सिखाया। सिखाने के लिए अपने हाकिम को भेजा, लेवी को भेजा, याजक को भेजा, खुद आप भी गया, हालेलुया, राजा भी खुद गया। ओके, पांचवी बात क्या है, वही दूसरा इतिहास 18वें अध्याय का 6 पद को जब हम देखते हैं, जब इज़राइल के राजा यहोशाबात, तो यहूदा का राजा था, इज़राइल का राजा यहोशाबात ने आकर कहते थे कि बस ये इनका जरूरत ही नहीं था, उन्होंने क्या किया, चलो हम क्या करेंगे और दूसरे राजा से चढ़ाई करने के लिए, लड़ाई करने के लिए हम निकलें करके उन्होंने कहता है। तो यहाँ पर यहोशाबात भी इनको नहीं जानाता, लेकिन इन्होंने चले जाता है। लेकिन अच्छी बात एक चीज़ करता है, चले जाने से पहले वो इसराइल के राजा कहता है आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। यहोशाबात पूछता है हम किसी से लड़ाई करने से पहले क्या करें, आओ हम यहोवा की वचन को मालूम करें, यहोवा परमेश्वर क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं। जिस तरीका से दाऊद कहता है, अगर जब भी उनके लिए कुछ लड़ाई में जाना है, युद्ध में जाना है, तो क्या करता है दाऊद, सीधे अपने परमेश्वर के पास जाता है और पूछताछ करता है, क्या परमेश्वर मैं जाऊं इसे पकड़ पाऊं या जीत पाऊं, पहले परमेश्वर से पूछता है। एदोम पहनकर वो जो नबी लोगों का वो चीज़ पहनकर उन्होंने पूछताछ करता है करके वचन में पढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर यहोशाबात राजा क्या करता था, जब इज़राइल के राजा आकर इन्हें पूछता है आओ हम युद्ध के लिए जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, इज़राइल के राजा ने कहा आओ हम यहोवा का वचन को मालूम करें। उन राजा को भी ये बुला रहे हैं, सी लिसन दिस, यहोशाबात यहूदा का राजा है, उनके पास इज़राइल के राजा आकर उन्हें बुला रहा है, चलो हम दोनों जाकर तीसरे एक राजा से हम लड़ाई करें, युद्ध करें करके। तब ये यहूदा यहोशाबात राजा ने सिर्फ इन्होंने नहीं कहा चलो हम यहोवा की यहोवा से पूछताछ करें करके, इन्होंने क्या किया, उन्हें भी बुला लिया अपने साथ, चलो हम मिलकर क्या करें, यहोवा के वचन को मालूम करें, इस विजय इस युद्ध में हम जाएं या नहीं जाएं करके मालूम करें करके। जब वो कह रहा था, जब उन्होंने इस तरह कह रहा था, वचन 5 में लिखा है, तब इज़राइल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठे करके उनसे पूछा। इज़राइल राजा भी क्या किया, उन्होंने 400 नबी को इकट्ठा करके पूछा, क्या पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं। उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। 400 नबी को इज़राइल के राजा इकट्ठा कर पूछा, तो 400 नबी भी क्या कह रहे थे, तुम जाओ जरूर प्रभु आपके हाथ में उन्हें सौंपेंगे। 400 नबी कह रहे हैं, कितने नबी कह रहे हैं, 400 नबी। प्यारो, अगर आप और हम यहोवा की वचन पर चलने वाले हैं, तो आप और हम यहोवा की वचन के पर चलते चलते हम मगन होते क्यों ना हो, अगर आप और हम
दूसरे सारे उन देवताओं को दूर कर दिया है, तो अगर आप और हम यहोवा की वचन को औरों को सिखाने वाले हैं तो आप और हमको अच्छी तरह परमेश्वर के वचन मालूम है, और जो बोलने वाला नबी है या झूठे हैं ये भी पता होगा। 400 नबी को इसराइल के राजा ने खड़ा कर उन्होंने उनसे कहा कि हम जा सकते हैं करके, लेकिन यहोशाफात राजा ने क्या कहा पता है, आगे पढ़ेंगे, आइए वचन 6 को। परंतु यहोशाफात ने पूछा क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ लें। वाह 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 वाह, प्रेस गॉड फॉर सच अ ग्रेट किंग। इन्होंने क्या किया, तुरंत इनको मालूम हो गया ये सारे झूठे हैं, ये सारे झूठे हैं करके। 400 लोग बोल रहे हैं आप लोग जा सकते हो, प्रभु आपको आशीष करेंगे, प्रभु आपको ऊंचा करेंगे, आपके घर को आशीष करेंगे, आपको ये बात करेंगे वो बात करेंगे करके सारे पूरे ऐसे आशीर्वाद की बातें बोलते रहे। लेकिन यहोशाफात राजा ने क्या किया, उन्हें मालूम हो गया ये सारे सही नहीं है। ये क्या कहते थे, क्या यहां यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब भी कोई भी वचन आपके पास आती है, अगर आपको सुनने के लिए वो अच्छा भी क्यों ना हो, लेकिन आपको और मुझको उसे जांचना बहुत ही आवश्यकता है, विशेष के लिए इस अंतिम समय में रह रहे हम लोग। तो चारों और कई ऐसे भविष्यवक्ता ने, झूठे भविष्यवक्ता ने बढ़ गया। वो मुंह खोलते ही कहते हैं आप आशीष में रहेंगे, आप ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, आपको बिल्कुल सुरक्षित होगा, ये होगा वो होगा करके। आपको और मुझको अगर हम प्रभु के वचन में स्थिर है तो हमें पता चलेगा कौन परमेश्वर के सच्चे नबी है या नहीं है, झूठे हैं करके हमें पता चलेगा। तो यहां पर जैसे यहोशाफात ने पूछा तो तुरंत 7वें वचन में इसराइल के राजा ने यहोशाफात से कहा, हाँ एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि की ही नबूवत करता है। वह इमला का पुत्र मिखाया है। यहां पर इसराइल के राजा यहोशाफात से क्या कहा, वो कहता है हां एक और तो है मिखाया जो है, लेकिन वो हमेशा मेरे बारे में क्या कहता है, कल्याण की बात ही नहीं करता, बुराई बोलता है। प्यारों, अगर कोई बुराई बोल रहे हैं इसीलिए हमें उनकी नफरत नहीं करना चाहिए, वरन हमें जांचना चाहिए अपने जीवन को, हमें जांच कर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम कैसा है करके हमें अपने आप को हमें जांच कर हमें उस रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के अच्छे रास्ते पर चलने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। इसराइल के राजा के बारे में और एक बार हम देखेंगे उन्होंने क्यों झूठे भविष्यवक्ताओं को सेलेक्ट किया। जो जो लोग आपके अच्छा अच्छा आपका प्रसन्न की बातें आपकी अच्छी अच्छी सुनने की अपने कान की जो भी पसंद है उन बातों को कहते हैं, जैसे नया नियम में भी एक वचन है, लोग किन पास्टर को अपने लिए चुन लिया है, अपने मन पसंद अपने सुनने की मन पसंद पासवानों को चुन लिया है। लेकिन यहां पर यहोशाफात एक अच्छा राजा था, यहोशाफात परमेश्वर की वचन को वो सिखाने वाला और सीखता भी था और वचन के आधार पर चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की वचन को उन्हें पालन करता था, इसलिए उनको मालूम हो गया यहाँ और कोई यहोवा का नबी नहीं है। तब उन्होंने बोला तो मिगाया है, तो तुरंत यहाँ पर यहोशाफात कहता है उनसे हम पूछेंगे करके। यहोशाफात ने कहा राजा उन्हें बुलाएं करके, तब इसराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलाकर कहा इमला के पुत्र मिगाया को पूर्ति से ले आओ। इसराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशाफात अपने अपने राज वस्त्र पहने हुए वहां पर रहते थे करके। तो प्यारों, वो आकर बिल्कुल सही कहते हैं आपको जाना है नहीं जाना है करके, उस सारे बातों को आगे आप पढ़ सकते हैं पूरे अध्याय में। लेकिन मेरे कहने का यहां पर यह है, हमें मालूम होना चाहिए कौन यहोवा का नबी है कौन दूसरा है। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम होगा कैसे,
आप ये नहीं करना, हमें तो नहीं पता है करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी वचन बोल रहा है। हाँ, वो भी वचन बोलेंगे, शैतान भी वचन बोलेगा। अगर आप और हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ है तो हम कहेंगे ये भी लिखा है। जिस तरीका से यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक शब्द जो यहोवा के मुंह से निकलती है उससे जीवित रहेगा करके, ये भी लिखा है करके आप और हम कहेंगे। आमीन, हालेलुया। सिर्फ एगो परमेश्वर को दंडवत करो करके ये भी लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। तो यहां पर इन्होंने ओरिजिनल और डुप्लीकेट को आइडेंटिफाई किया, पहचान लिया क्या है ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है करके उन्होंने पहचान लिया। और सातवीं बात क्या है, आइए पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 19वीं अध्याय का 5, 6, 7 पद को हम पढ़ेंगे। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्यायी टकराया। यहोशबात राजा ने क्या किया, न्यायी को टकराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो। जब इन्होंने जजेस को वहां वहां टकराया, अपने जजेस से न्यायियों से, राजा कहा क्या कहा, सोचो कि तू क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारा साथ रहेगा। प्रेस गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रति यहोशबात का कितना जलन है ना, हालेलुया। वो कहता है न्यायियों को टकरा कर उन्होंने कहा, देखो जब तू क्या करते हो करके सोचो, क्योंकि जब तुम न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं वरन किसके लिए न्याय करते हो, यहोवा के लिए करते हो। जब समय तुम न्याय करेगा उस समय कौन आपके साथ है, यहोवा परमेश्वर आपके साथ है करके उन्होंने स्पष्ट रूप से यहोशबात राजा ने अपने जजेस से कहा। सिर्फ न्याय को टहरना बड़ी बात नहीं, लेकिन उनको सिखाना, उनको यहोवा के बारे में एक डर भय से न्याय करने के लिए सिखाना, दैट इज व्हाट यहोशबात डिड। यही यहोशबात ने किया, यहोशबात राजा ने किया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पौलुस कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 23 पद में कहता है, आइए उसे पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 23वीं आयत, यहां पर पौलुस कहते हैं, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए करते हो, प्रभु के लिए करते हो। आमीन, हालेलुया। दिस अस अ क्रिश्चियंस वी नीड टू प्रैक्टिस इन अवर लाइफ। एक मसीह होने के नाते परमेश्वर को हम जानते हैं, इसीलिए परमेश्वर के वचन पर हम चलने वाले, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह को हम पीछा करने वाले, हमें ये अवसर होना चाहिए, ये बात को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। जो कुछ हम करते हैं इट्स नॉट फॉर मैन, मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए करते हैं। अगर आप एक बिजनेस करते क्यों ना हो, या आप एक कंपनी में कार्य करते क्यों ना हो, या एक कंपनी की आप एक बड़े पोस्ट में क्यों ना हो या छोटे पोस्ट में क्यों ना हो, जो भी आप करते हैं, अगर आप पोछा भी करते हैं, या आप किसी को एक फाइल ले जाने वाले काम करते हैं, या एक आप कंपनी में एक निर्णय लेने वाले सीईओ की पोस्ट में रहते हैं, हर काम अपने मनुष्य के लिए नहीं करना चाहिए। अगर वो काम करने से अगर आपका बॉस या आपका जो भी पार्टनर, अगर वो आपसे घृणा करेगा, वो आपसे लड़ाई करेगा करके क्यों ना हो, लेकिन आपको उनको नहीं वरन परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्यारों, हम मसीह जीवन में यह बात आ जाएगी तो मसीह जीवन में एक बहुत बड़ी बेदारी हो जाएगी। हालेलुया, हमारे मसीह संगतियों में बहुत बड़ी बेदारी हो जाएगी अगर आप और हम जो कुछ करते हैं मनुष्य के लिए नहीं करना चाहिए वरन हमें परमेश्वर के लिए करना चाहिए। जो भी बातें, छोटी बातें क्यों ना हो या बड़ी बातें, हालेलुया, हमें
परमेश्वर के लिए किया करना चाहिए। अगर अपने माँ बाप की बात मानने वाली बात क्यों ना हो, या आपकी कोई से भी बातें क्यों ना हो, वट एवर इट इज, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी में, या आपकी भविष्य की बातों में, या आपकी शादी सुविधा के जीवन में, हमें मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर के लिए ही हर काम हमें करना चाहिए। ये बात यहोशाबात ने बहुत ही अच्छी तरह फॉलो किया था। इट इज नॉट ओनली ही इज टीचिंग बट ही इज प्रैक्टिसिंग द सेम। इन्होंने उसे सिर्फ सिखाया नहीं वरन उन्होंने अपने जीवन में उन्होंने करते हुए आया अपनी न्याय को। यहां पर राजा कह रहे हैं वचन 6 में, जैसे उन्होंने कहा 7वीं वचन में, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। वाव, हालेलुया। पहले कहा तुम जो कुछ करते हो मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए किया करो, यहोवा के लिए। और दूसरा वो कहते थे अब यहोवा का भय तुम पर तुम में बना रहे। इट्स नॉट ओनली कभी 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 कभार प्रभु के लिए डरना है, डर भय होना चाहिए, आदर मान होना चाहिए, नहीं, लेट इट बी कंटिन्यूअली walk in the fear of the Lord. Amen. Let you may be continually walk in the fear of the Lord. परमेश्वर के डर भय में आप निरंतर सदैव बने रहें। कौन? न्याय को। और आगे चौकसी से काम करना, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है और ना वह किसी का पक्ष करता और ना घूस लेता है। Amen. हालेलुया। ये सिर्फ अभी का वो बात नहीं है, ये पुराना नियम से ही लेकर परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम न्यायी है तो परमेश्वर के लिए काम करना, अगर तुम जो भी काम करते हो वो परमेश्वर के लिए करना, ना मनुष्य के लिए। और दूसरा, परमेश्वर के डर भय हमेशा आपके जीवन में होना। और तीसरा, जब तुम न्याय का काम करते हो तो आपका क्या होना चाहिए? परमेश्वर चौकसी से काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं और वह और ना किसी को वह पक्षपात करता और ना घूस लेता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस ही इज डूइंग, कितने अच्छे एक प्रैक्टिस को वो कर रहे थे यहोशाबात राजा ने। एक राजा होने के नाते कितने बड़े बड़े लोग आकर उनसे मतलब अपने पैसा देते होंगे, अपना टैक्स से ऊपर बहुत सारा चीज़ों को गिफ्ट में तोहफा के रूप में देते होंगे, लेकिन किसी का उन्होंने पक्षपात नहीं किया होगा, मनुष्य के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया होगा, परमेश्वर के डर भय से उन्होंने अपने राजपद को चलाया। हालेलुया। आप और हम कैसे हैं आजकल की परिवार में या कंपनीज में, अपनी नौकरी की जगह पर कैसा हो रहा है? अपने आप को हम जांचें। यू डू फॉर गॉड नॉट फॉर पीपल, मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर यहोवा के लिए हमें किया करना चाहिए। आमीन। और 7वीं बात आइए पढ़ेंगे, यही दूसरा अधिकांश 19 का 9 पद को हम पढ़ेंगे। उसने उनको आज्ञा दी, मतलब उन न्यायी को, जिन न्यायी को उन्होंने अपने नगरों में खड़ा किया, उन लोगों से कहा यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। कैसे काम करना? सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्त है, अगर नहीं करेंगे तो मुझे नरक में डाला जाएगा या राजा मुझे दंड देगा, ऐसा नहीं है। कैसा? सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसे हमें करना चाहिए। ये एक घटना हुआ है, एक बड़े एक व्यक्ति था जिसने अपने शू कंपनी में, वो खुद शू बनाता था, तो उनके पास एक छोटा सा लड़का काम में आकर लगा। ये बहुत ही ईमानदारी था, ये शू मेकर जो है बहुत ही ईमानदार था। तो इन्होंने क्या किया, ही डू ऑल द थिंग्स वेरी यू नो सिस्टमैटिकली, जैसा कैसा करना चाहिए। जो लेदर वो बाहर से लेते हैं उसे कितना दिन तक उसे ऐसे प्रोसेसिंग करना चाहिए, वैसा ही वो किया करता था। इन बातों को देखता हुआ ये लड़का ने सोचा
दूसरी कंपनी में तो तुरंत तुरंत वो सब कुछ करते हैं, इतने दिन तक रोकते नहीं, ये प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, तो उनको तो भी अच्छा चल रहा था, लेकिन हमें इतना देर भी होता है और इसके चलते हमारा सेल भी कम होता है करके जब वो लड़का ने कहा, तब वो शू मेकर ने कहा, हम जो ये शू मैं बनाता हूँ ये जो पहनेंगे इंसान के लिए नहीं, वरन जो मुझे बनाया उस परमेश्वर के लिए चलते मैं बनाता हूँ हर एक शू को। इसलिए उनके लिए जितना समय जरूरत है उतना समय मैं प्रोसेसिंग में रखता हूँ करके उन्होंने कहा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, हमें ये सोचना बहुत ही आवश्यकता है, हमें सच्चाई और निष्कपट मन से हमें ऐसा करना चाहिए, जबरदस्त नहीं या राजा ने कह दिया इसीलिए नहीं, वरन अपनी सच्चाई और निष्कपट मन से हमें ऐसा करना बहुत ही आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। यहोवा को भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर यही हम सात बातें यहोशाबात के जीवन में सीखा है, क्या सात बातें, दोबारा एक बार मैं दोहराना चाहती हूँ जल्दी से। पहली बात, यहोवा यहोशाबात के साथ रहा, संग रहा। दूसरी बात, यहोवा के मार्ग पर चलते चलते यहोशाबात का मन मगन हो गया। तीसरी बात, उन्होंने ऊंचे स्थान और असोरा की मूरतों को दूर कर दिया। और चौथी बात, उन्होंने मिशनरी का काम किया, मतलब यहोवा की व्यवस्था को, वचन को, पुस्तक को लेते हुए नगर नगर में घूम घूम कर लोगों को सिखाया, परमेश्वर के वचन को सिखाया। और पांचवी बात, परमेश्वर अपने परमेश्वर की नबियों को खोज में उन्होंने रखा। जितने भी उस समय भी बहुत झूठे भविष्यवक्ता थे, लेकिन इन्होंने कौन है यहोवा की नबी करके उन्होंने पहचान लिया। और इस छठवीं बात जो है, उन्होंने न्यायियों को टकरा और उन्हें कहा तुम मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए कार्य करना है करके। और सातवीं बात, उन्होंने क्या किया, यहोवा की भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से आपको कार्य करना है करके अपने न्याय को सिखाया। वो भी ऐसा ही जीवन बिताया, हालेलुया। ये सात बातें 17वीं अध्याय, 28 अध्याय, 19वीं अध्याय में हुआ है। तब 20वीं अध्याय में जब इनके विरोध में तीन राजा ने आए थे लड़ाई के लिए, तब राजा ने परमेश्वर के भवन में गया, जैसे उसने प्रार्थना की तुरंत ही क्या हुआ, नबी को परमेश्वर ने भेजा और अगले दिन में ही उनको विजेता मिल गया बिना लड़ाई। बस इन्होंने स्तुति करते रहे, वो का धन्यवाद करो, उसका करुणा सदा के लिए है करके उन्होंने स्तुति करते रहे, स्तुति करते रहे। वहां पर इन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, बराका में फिर खड़ा हुआ, बराका मतलब आशीर्वाद में उन्होंने खड़ा हुआ, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जिसने इन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों को सिखाया नगर नगर में जाकर, इसीलिए जिस वक्त इन्होंने एक उपवास को बोला तो सारे यहूदी के लोग, यरूशलेम के वासी ने आकर खड़े हो गए यहोवा के भवन में, स्त्री मर्द बच्चे तक, बाल बच्चे तक। ये कैसा हुआ, ये बहुत ग्रेट एक रिवाइवल है। ये क्या है, एक बेदारी। अगर 17, 18, 19 वचन में, 19 अध्याय में इसने ये सारे काम किया, इसलिए 20वीं आयत में आकर एक बहुत बड़ी बेदारी हुआ है। सारे लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर के लिए उपवास में एक मन एक चित होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हो गए। जब इन लोग ने इकट्ठे हुए, पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए, तो परमेश्वर ने उस दोष को ज्यों को त्यों कर दिया, उस देश के प्रभु ने एक सफलता को भेजा है, हालेलुया, हालेलुया। इस 20वें अध्याय में आप पढ़ते हैं, जब इन्होंने यहां पर जाकर उनकी लूट थी, उनकी लूट इतना लूट हो गई, जब इनके तीन राजा ने आपस में मर गए, वहां उस जगह में जाकर यहोशाबात राजा और उनके लोग जाकर वहां के चीजों को लूट रहे थे, उनके लूट खत्म ही नहीं हो पा रहा, इतना बटोरते हुए 3 दिन बीत गए तब भी वो बटोर नहीं पा रहे, इतनी सारे आशीषें उनको मिल गई। परमेश्वर, अगर आप और हम इन सात बातों को फॉलो करेंगे, जरूर आपके और मेरे जीवन में ही, हमारे देश में एक जरूर एक बेदारी आ जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। जरूर आप और हम
उस बराका की तराई में खड़े होकर यहोवा का जय जयकार करेंगे, यहोवा का धन्यवाद हो, उसकी करुणा सदा की है करके आप और हम एक जय जयकार ललकारेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। ये रिवाइवल के लिए, एक बेदारी के लिए इन्होंने ये सारे बातों को किया। अगर ये कट शॉर्ट में बोलना चाहिए तो तीन बातों को मैं बताना चाहती हूँ। सारी बातों को सिंसियर रेपेंडेंस, ईमानदारी से पक्षताप, और दूसरा सैक्रिफिशियल कमिटमेंट, एक बलिदान की समर्पित, और तीसरी सिग्निफिकेंट एक्शन, एक महत्वपूर्ण की कार्य। हालेलुया। ये तीन बातें, सिंसियर रिपेंडेंस, सिग्निफिकेंट सैक्रिफिशियल कमिटमेंट, सिग्निफिकेंट एक्शन, ईमानदारी से पक्षताप, पक्षताप, बलिदान की कमिटमेंट, समर्पण, और महत्वपूर्ण की कार्य। ये तीन बातें शॉर्ट में बोलना है तो ये बातें यहोशापात राजा के जीवन में थी। इसीलिए 20वें अध्याय में उन्होंने बराका में खड़ा हुआ, आशीर्वाद में खड़ा हुआ, पूरे देश, सिर्फ राजा नहीं, पूरे देश। हालेलुया। प्यारों, इस कोरोना के समय में आप अंदर बैठे हुए हैं, आपको मैं उत्साहित देना चाहती हूँ, बस आप परमेश्वर के वचन को आप सिखाइए, सीखिए, और परमेश्वर के उस वचन के ऊपर चलने वाले बन जाइए, परमेश्वर और उसके राज्य को कोच करें, ये सारे चीजें हमारे लिए दिया जाएगा। आप सोच रहे हैं क्या, अभी हम बिल्कुल एंड टाइम में रह रहे हैं। आप जानते हैं इसी हफ्ते के अंदर हमें मालूम हुआ कि न्यूज़ आया, ऐसा इसराइल का देश का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कह दिया कि अभी हमारे लिए चिप लगाए जाएंगे इस कोरोना के लिए, कोरोना वायरस के लिए। ये वैक्सीन करके बोलते हैं, सुई करके, लेकिन वो चिप है, चिप लगाएंगे हर लोगों के लिए करके। आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो हम कितनी नज़दीक आ गए एंड टाइम में, अंत समय में आ चुके हैं, परमेश्वर का आगमन बहुत ही जल्द में है। अभी भी कुछ लोग आप कह रहे हैं, अरे यार ऐसे तो बोलकर 2000 साल हो गया, अभी भी समय है। मैं आपसे एक बात कहूं, एक बार सेटन ने, लूसिफर ने एक मीटिंग को बुलाया, मीटिंग रखा, तब उन्होंने कहा कौन जाएंगे और मेरे लिए काम कर आएंगे, इतनी अच्छे से काम करके लोगों से, दुनिया में विश्वासी लोगों से, मसीह लोगों से। तो पहला एक शैतान आया, कहा मैं जाऊंगा। तो लूसिफर ने पूछा तू जाकर क्या कहेंगे उनसे? ये शैतान ने कहा, छोटा शैतान ने, मैं कहूंगा मसीह लोगों के पास जाकर या लोगों के पास जाकर, अभी मतलब देयर इज नो हेवन, स्वर्ग करके कुछ नहीं है करके मैं बताऊंगा करके। तो शैतान ने बोला ये बहुत लोग कभी मानेंगे नहीं, वो जानते हैं स्वर्ग तो है करके, क्योंकि उन चीज को वो अपने परिवार में भी अनुभव करते हैं, इसीलिए वो नहीं मानेंगे। दूसरा एक छोटा शैतान आकर कहा मैं जाऊंगा। उन्होंने पूछा तू क्या बोलेगा? इन्होंने कहा नरक करके कुछ नहीं है करके मैं कहूंगा करके, ऐसे बोलकर हम लोगों को धोखा देंगे करके। तब बड़े शैतान ने बोली, लूसिफर ने, नहीं लोग जानते हैं क्योंकि उनके परिवार में ये चीज को भी वो देखते हैं, क्या चीज को, नरक को वो देखते हैं, इसीलिए वो मानेंगे नहीं करके। तीसरा एक बहुत ही अंधकार से एक छोटा शैतान आया निकलकर, वो कहा मैं जाऊंगा। तब लूसिफर ने पूछा तू क्या बोलेगा? ये कहा मैं बोलूंगा अब तो समय नहीं है, अब बहुत समय हमारे लिए है, अभी इतने जल्दी क्यों, अब हमारे बहुत और समय है, इसलिए अपना मनभावनी जीवन जीना है करके मैं बोलूंगा करके। इमिडिएटली लूसिफर ने बोला चलो तू ही सही है, तू जाकर ऐसे ही कहो करके। आप समझ में आ रहा है? मसीह लोग भी आजकल कहते हैं अरे ऐसा अब तो बहुत समय है हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए और समय है, और समय है। प्यारों नहीं है, द टाइम विल डिले नो लॉन्गर, अब तो और देर नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय 6 वचन में लिखा है अब तो और देर ना होगी।
आप ये मत सोचिए और तो बहुत समय है, अब हम मगन करेंगे, एंजॉय करेंगे, अपनी जीवन जिएंगे, मनभावनी जीवन जिएंगे। प्यारो अभी समय है, जैसे जैसे ये को शबात ने किया वैसे वैसे आपको और मुझको करना चाहिए। अगर ऐसे करेंगे जरूर एक बहुत बड़ी बेदारी आएगी, जरूर आप और हम सारे यहोवा की उपस्थिति में हम जाएंगे, एक बेदारी जरूर आएगी। हललुया हललुया हललुया। इसलिए आपको और मुझको अभी हमें मगन करने के लिए समय नहीं है, हम अपने अपने मनभावनी जीवन जीने के लिए घर के अंदर बैठे हुए हैं। कितने हम परमेश्वर की वचन को कोच करते हैं, कितने लोग हम यहोवा को कोच करते हैं, कितने लोग हम चाहते हैं कम से कम इसी समय हम परमेश्वर की वचन में स्थिर रहना करके, या अभी तो इतना लंबा समय है, दिन बीतता ही नहीं है, इतना बोर लगता है करके, चलो ये पिक्चर देखें वो पिक्चर देखें, हम ये सीरियल देखें वो सीरियल में डूबे रहें करके, अभी भी आप ऐसे हैं। अब समय नहीं है, परमेश्वर के आगमन बहुत जल्द में है। जैसे हमने कहा इसराइल का प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है, ये कितना जल्दी हमारे देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहेंगे बहुत जल्दी में सबको ये वैक्सीनेशन ये चिप लगाया जाएगा, बहुत जल्द में कार्य हो रही है। ये लॉकडाउन के समय में ही ये सारी बातें बहुत ही तेजी से हो रही है। बिल गेट्स के साथ मिलकर हमारा प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात किया है, वो चिप के बारे में बात किया है, वैक्सीन वो चिप बोलते हैं। प्यारों हम मन फिरे तब हम बराका में खड़े हो पाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं राजा, इस समय के लिए धन्यवाद, जो वचन आपने हमसे कहा प्रभु जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा आप हमें याद दिलाया धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु हम जो कुछ करते हैं मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए हम कहे करेंगे, खुदावन तेरी वचन में हम चलने वाले बनेंगे, खुदावन तेरी वचन में प्रभु तेरी व्यवस्था की पुस्तक को लेके नगर नगर में आप एक राजा होने के नाते भी घूमा, प्रभु हम भी ऐसे करेंगे। खुदा हमें मदद कर, ये प्रभु ये वचन प्रभु जी हमारे देश के दुनिया की कोने कोने तक जा सके, खुदावन यीशु नासरी के नाम से राजा लोगों के अंदर एक बेदारी को उंडे, एक बेदारी को वो प्रभु जी उत्पन्न करने पाए। खुदावन आप ऐसे ही आशीषित कर खुदावन, हालेलुया। इस लॉकडाउन के समय पर भी हम प्रभु जी ऐसे बैठना नहीं चाहते हैं, वरन तेरे वचन को प्रभु जी दुनिया की कोने कोने तक ले जाने के लिए चाहते हैं। खुदावन आप हमें अगुवाई कर, हमें मदद कर राजा तेरी वचन को, ताकि लोग तेरी वचन को सीख कर, तेरी वचन को सुनकर, तेरी व्यवस्था को सुनकर राजा वे मन फिरे और खुदावन तेरी उपस्थिति में आकर खड़े होने पाए, मन फिराकर खुदावन तेरी बराका में तेरी प्रभु जी तेरी आशीषों में खड़े रहने पाए, तेरी आगमन में आपके साथ हम सब आ सके, हमें आशित कर राजा। और समय नहीं है, द टाइम विल डिले नो लॉन्गर। धन्यवाद हो राजा, हमें छू, जितनों ने इन वचन को सुना उन्हें आशित कर, उन्हें आशीष कर, तू उन्हें छू ले खुदावन, लेट देम टर्न टू योर वर्ड ऑफ फादर गॉड, आपकी वचन की ओर वो मन फिरे खुदावन। जिसे भविष्यवक्ता कहता है प्रभु हम अपने वस्त्र को नहीं अपने हृदय को फाड़ कर तेरे पास में हम आ सकें खुदावन, ऐसे अनुभव हमें दे। इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को ऐसा अनुभव दे, वे मन फिरे खुदावन, लेट देम रिपेंट लॉर्ड, हूएवर इट मे बी, हूएवर इट मे बी। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं खुदावन, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, टाइम विल डिले नो लॉन्गर, अब समय हमारे लिए नहीं है, लेट अस रिपेंट एंड कम टू द लॉर्ड, कम टू द वर्ड, हम मन फिरें और परमेश्वर के पास आएँ, यहोवा के पास आएँ, उसके वचन के और हम मोड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।